गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 120 का वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया था। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए कार ऑनर फिल्ड 26 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार बिफोर लीविंग फॉर दिल्ली। कार ऑनर है, जिसके पास कार है, उसने अपनी कार में 26 लीटर 750 मिलीलीटर पेट्रोल फिल कराया। और किस लिए फिल कराया? उसे दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने से पहले उसने इतना पेट्रोल फिल कराया। ऑन रीचिंग दिल्ली देयर वॉज ओनली 11 लीटर 250 मिलीलीटर पेट्रोल लेफ्ट। जब वो दिल्ली पहुंच गया तो उसकी जो कार है उसके अंदर 11 लीटर 250 मिलीलीटर पेट्रोल बच गया। हाउ मच पेट्रोल वॉज यूज ड्यूरिंग द जर्नी। अब आपको बताना है कि इस पूरी यात्रा में, इस पूरी जर्नी में उसका कितना पेट्रोल यूज हुआ, यानी टोटल पेट्रोल उसकी कार में इतना था दिल्ली पहुंचने से पहले, दिल्ली जाने से पहले, दिल्ली पहुंचने के बाद उसकी कार में इतना रह गया। अब आप इसमें टोटल में से जो रह गया है उसको लेस कर देंगे तो जो यूज्ड पेट्रोल है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर पेट्रोल इन कार बिफोर लीविंग फॉर दिल्ली, मतलब दिल्ली जाने के लिए वहां निकलने से पहले उसने कितना पेट्रोल भराया था, 26 लीटर 750 मिलीलीटर। पेट्रोल इन कार आफ्टर रीचिंग दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के बाद उसके पेट्रोल में कितना, उसके कार में कितना पेट्रोल रह गया, 11 लीटर 250 मिलीलीटर। पेट्रोल वॉज यूज ड्यूरिंग द जर्नी, पेट्रोल पूरी जर्नी में कितना पेट्रोल यूज हुआ, अब आपको इसे लेस करके निकालना है, यानी कि ये माइनस होगा। 0 - 0 = 0, 5 - 5 = 0, 7 - 2 = 5, 6 - 1 = 5, 2 - 1 = 1। कितना रह गया पेट्रोल, कितना पेट्रोल यूज हुआ, 15 लीटर 500 मिलीलीटर। आप आंसर में लिखेंगे 15 लीटर 500 मिलीलीटर पेट्रोल वॉज यूज ड्यूरिंग द जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन परचेजेस 58 लीटर 37 लीटर एंड 185 लीटर ऑफ ऑयल फ्रॉम 3 वेंडर, यानी 3 जो विक्रेताओं से, उसने जो 3 दुकानदारों से उसने कितना ऑयल खरीदा है, 58 लीटर 37 लीटर और 185 लीटर पेट्रोल उसने खरीदा है। इन द इवनिंग ही फाउंड दैट ओनली 16 लीटर ऑफ ऑयल इज लेफ्ट विथ हर। उसने जब शाम को देखा कि उसके पास 16 लीटर पेट्रोल ही बचा है, हाउ मच ऑयल वॉज ही एबल टू सेल। अब आपको ये बताना है कि कितना ऑयल उसने बेचा, वो कितना ऑयल बेच पाया पूरे दिन में। ए पर्सन परचेज इज ऑयल फ्रॉम 3 वेंडर्स, 3 वेंडर्स से उसने कितना ऑयल खरीदा, 58, 37, 185 लीटर। ये हमने ब्रैकेट में बंद करके लीटर बाहर लिख दिए, तो इसका मतलब इस सबके लिए लीटर यूज हुआ है। अब हमें इनका टोटल निकालना है। पहले हमें पता तो चले कि उसे 3 वेंडर से टोटल कितना ऑयल खरीदा, टोटल ऑयल परचेज बाय 3 वेंडर्स, 3 वेंडर से उसने कितना ऑयल खरीदा, 280 लीटर। ऑयल इज लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितना ऑयल बचा, 16 लीटर। अब आपको बताना है कि उसने कितना सेल किया, क्वांटिटी ऑफ ऑयल ही एबल टू सेल, कितनी क्वांटिटी उसने एबल, मतलब कितनी क्वांटिटी वो सेल कर पाया। 0 में से 6 नहीं जा सकता, ये इससे 1 लेगा, 10, और इसके पास रह गया 7। 10 - 6 = 4, 7 - 1 = 6, अब यहाँ पे 2, 2, इसका यूनिट जो है लीटर में, यहाँ पे आप लीटर लिख देंगे, यानी 264 लीटर जो ऑयल है उसने सेल किया। आप यहां लिखेंगे
264 लीटर ऑफ ऑयल ही एबल टू सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए फ्लास्क कंटेन्स 3 लीटर 750 मिलीलीटर फ्रूट जूस. मतलब एक फ्लास्क है उसके अंदर 3 लीटर 750 मिलीलीटर जूस है. 1 लीटर 250 मिलीलीटर इज यूज्ड. 1 लीटर 250 मिलीलीटर जो जूस है वो यूज हो चुका है. हाउ मच जूस इज लेफ्ट. अब आपको ये बताना है उस फ्लास्क में कितना जूस बच गया. ए फ्लास्क कंटेन्स फ्रूट जूस. कितना जूस है फ्लास्क में? 3 लीटर 750 मिलीलीटर. फ्रूट जूस इज यूज्ड. फ्रूट जूस कितना यूज हुआ है? 1 लीटर 250 मिलीलीटर. जूस इज लेफ्ट. कितना जूस बचा है? अब इसको हम लेस करेंगे. 0 माइनस 0 इक्वल टू 0. 5 माइनस 5 इक्वल टू 0. 7 में से 2 को लेस करेंगे हमारा आ गया 5. 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर जूस जो है वो हमारा फ्लास्क में बच गया. यहाँ आंसर लिखेंगे 2 लीटर 500 मिलीलीटर जूस इज लेफ्ट इन फ्लास्क. बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व किया हमने. आपको ये क्वेश्चन अपने फेयर नोटबुक में क्लियरली लिखना है और इनकी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस भी करनी है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.